केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल एक्ट मध्य प्रदेश में फिलहाल लागू नहीं हुआ, लेकिन आगामी दिनों में जब नया एक्ट लागू हो और लोगों को भारी भरकम जुर्माने की मार का सामना करना पड़े, इसके लिए पुलिस द्वारा एक्ट लागू होने से पहले ही बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करना शुरू कर दिया गया। रायसेन में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर पुलिस द्वारा न केवल बच्चों को समझाया गया बल्कि उनके माता पिता के साथ भी बैठकें की गई। थाना कोतवाली पुलिस ने शहर में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने पर सख्ती बरतते हुए वाहनों को जब्त कर थाने में खड़े कर दिया और बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर उनके साथ बैठक कर समझाइश दी। हाँ, आज नाबालिग बच्चों के अभिभावकों में बुला के कंट्रोल रूम में समझाइश दी गई है। जो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है और वो दोपहिया वाहन चलाते हैं क्योंकि उनके किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है और कुछ क्योंकि अभी कोई भी 50 cc से नीचे की गाड़ी हिंदुस्तान में बनती नहीं है, तो इसलिए उनको बुला के समझाइश दी गई है कि भविष्य में कोई भी नाबालिग बच्चा बिना लाइसेंस के और बिना वैध अनुमति के गाड़ियाँ नहीं चलाएगा और उनको ये भी हदायत दी गई कि आप स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें और अपने बच्चों से भी नियमों का पालन करें, ताकि कि हम भी नियमों का पालन करेंगे और अपने बच्चों को भी भविष्य में जब तक उनके लाइसेंस नहीं बन जाते हैं उनको गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे। कार्रवाई के दौरान बच्चे पुलिस से कहते हुए नजर आए कि सर प्लीज गाड़ी की चाबी दे दीजिए, मम्मी पापा को मत बुलाइए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और बच्चों के हित में अभिभावकों के साथ बैठक की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबार न्यूज, रायसेन।